सर्वे का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हाथरस की जो खबर है उससे आपको हम रूबरू करवाते जा रहे हैं, पल पल के अपडेट्स आपको हम लगातार देते जा रहे हैं। क्या कुछ इस समय गांव में स्थिति है, क्योंकि मीडिया को जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन जिस तरीके से अभी हालात थे पिछले दिनों, मीडिया को अनुमति नहीं थी और परिवार वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उस तरीके से वहां पर अब ग्रामीण भी कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में आ गए। और हमारे सहयोगी जयवीर मावी लगातार इस समय हाथरस में बने हुए हैं, लगातार आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने बात करने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, और जो दूध का दूध है जो पानी का पानी वो अब सबके सामने आ जाए, क्योंकि कई सारे सवाल यहाँ पर लोगों के मन में है कि आखिर जो पीड़िता थी उसको अचानक से क्यों जला दिया जाता है, परिवार को दिखाया नहीं जाता है, और अचानक से क्यों अब मीडिया को अनुमति दे दी गई, क्या ऐसी जांच चल रही थी, कौन सी ऐसी जांच चल रही थी जो मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन सिर्फ अभी भी और बिल्कुल इजाजत नहीं थी मीडिया को अंदर जाने की, लेकिन अचानक से जिस तरीके से अब मीडिया को जाने की अनुमति दी गई, तो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रामीण वो जो माहौल था उससे निकलकर बाहर नहीं आ पा रहे, एक दहशत का माहौल अभी भी ग्रामीणों के मन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे सहयोगी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो बसते नजर आए सवालों से, क्योंकि अभी भी उनके अंदर एक दहशत बनी हुई है, क्योंकि अचानक से गाँव को छावनी में तब्दील कर देना, और जब पुलिस वालों से सवाल किया जाएगा कि क्यों आखिर आप अंदर नहीं जाने दे रहे, क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि ऊपर से आदेश आया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आखिर जो ऊपर है जिसने आदेश दिया है वो कौन है, और इस सब चीजों के सवाल के जो जवाब है वो अब हम आपको बताएंगे, और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके मन में सवाल है उसके जवाब हमें मिल पाए। हमारे साथ जयवीर मावी हमारे सहयोगी इस समय हाथरस में मौजूद है। जयवीर, आप पीड़ित परिवार के परिजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपकी बात हो पाई? जयवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयवीर, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से गांव का जो माहौल है, जो स्थिति है इस समय, एक दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी भी सिर्फ मीडिया को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन सबके मन में सिर्फ एक सवाल है, आखिरकार ऐसी कौन सी जांच थी जो मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, कौन से ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे पीड़ित परिवार से, जो उनका फोन जब्त कर लिया जाता है, उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती है, और अभी भी पीड़ित परिवार ने बच्ची की अस्थियां नहीं उठाई हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने उनकी बेटी को जलाया है या नहीं जलाया है। कई सारे सवाल लोगों के मन में है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, और अधिकारियों की जिस तरीके से बात करी जाए कोई भी कुछ बोलने से साफ इनकार करता है। जब पुलिस से कहा जाता है कि आप क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे, तो उनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि हमें ऊपर से आदेश है और अभी अंदर जांच चल रही है। ऐसी कौन सी जांच थी जो मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी और फिर अचानक से अनुमति दे देना, कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं लेकिन जवाब अभी किसी को नहीं पता है, क्योंकि जिस तरीके से गांव को छावनी में तब्दील किया गया, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लगातार कोशिश की जा रही थी मीडिया की तरफ से कि कहीं किसी तरीके से पीड़ित परिवार से मिले, जो सवाल है लोगों के मन में और पीड़ितों का जो दर्द है उसको किसी तरीके से हम बांट पाए, लेकिन अफसोस कि प्रशासन ने मीडिया को अंदर जाने से मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, लेकिन अचानक से अनुमति दे देना, और अब कहा जा रहा है कि जांच उनकी पूरी हो चुकी है, ऐसी कौन सी जांच थी जो इतने दिनों से चल रही थी, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्या छिपाया जा रहा था, ये अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको हम दे पाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके मन में इस समय होंगे कि क्यों मीडिया को अनुमति नहीं दी गई थी, फिर अचानक से अनुमति दे दी गई। कहीं ना कहीं इस समय ग्रामीणों का जो माहौल है, जो इस समय गांव का माहौल है, वो भी दहशत का माहौल बन चुका है, क्योंकि अचानक से छावनी में तब्दील कर देना और फिर उसके बाद अचानक से मीडिया को अंदर जाने की अनुमति देना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डीएम जो थे, डीएम की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो पीड़ित परिवार को धमकाते नजर आ रहे थे, और साफ साफ डीएम का ये कहना था कि अगर तुम्हारी बहन कोरोना से मरती तो क्या तुम्हें इतना मुआवजा मिलता, इतनी
बुरी चीज उनकी तरफ से बोली गई। अब सवाल यही है कि डीएम के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी और जो अधिकारी इसमें मिले हुए उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी, जिनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन अब मीडिया अंदर पहुंच चुकी है, मीडिया से मिलने की अनुमति दे दी गई है, पीड़ित परिवार से अब मीडिया मिल सकती है, उनसे क्वेश्चंस कर सकती है और जो उनका दर्द है वो अब बांट सकती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो सवाल थे, कई सारी चीजें अब खुलकर सामने आएंगी। जिस तरीके से पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा था कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, तो अब इन सब चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा हमें कि आखिरकार सच क्या है और क्यों आखिरकार पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और हमारे संवाददाता जयवीर मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार पल पल की अपडेट्स देते जा रहे हैं। जयवीर, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है? लगातार हमारे सहयोगी लगातार उस समय हाथरस में बने हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो परिवार वालों से बातचीत करें, उनसे सवाल करें और जो वो आरोप लगा रहे थे उनके जो सच है उसका वो जानने की कोशिश करें। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आखिरकार इस समय क्या कुछ स्थिति है हाथरस में, क्योंकि कुछ दिन से जो स्थिति थी हाथरस की, गांव को छावनी में तब्दील कर देना, पुलिस का लगातार मीडिया को रोकना, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जांच हो रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी जांच हो रही थी अंदर जो मीडिया को अंदर आप नहीं जाने दे रहे थे, बड़ी बात यहां पर यह। लेकिन अचानक से अब अनुमति दे दी गई, अब मीडिया अंदर जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पीड़ित परिवार से हम बातचीत कर पाए, उनका जो दर्द है उसको बांट पाए और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, इतने दिनों से क्या कुछ हो रहा था घर के अंदर, इन सब चीजों के बारे में भी हम आप तक सारी बातें पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हाथरस में बने हुए हैं, जो पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे और सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। तो जिस तरीके से गांव को इतने दिनों से छावनी में तब्दील किया गया था, मिलने नहीं दिया जा रहा था किसी से, उनके फोन को भी रख लिया गया था, तो हाथरस में क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर के लगातार